प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शाजापुर दौरे पर पहुंचे और किसान महारैली को संबोधित किया। पीएम मोदी की इस महारैली में 9 जिलों के 1.25 लाख से ज्यादा किसान पहुंचे। झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्राइवर लॉबी के सामने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर ट्रेन ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम करने की धमकी दी। कानपुर में शराब पीकर गाली बक रहे नशेड़ी का विरोध करने पर शराबी युवक ने कान अपने दांत से काट लिया। घायल युवक ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे 58 पर स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्समैन से हजारों की नकदी और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोरखपुर में मात्र 30 मिनट की बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया। पूरे शहर में सीवर और नाली का गंदा पानी भरा नजर आया। लखनऊ के कुटुंबा इलाके में पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद इलाके में तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कानपुर देहात के रसूलाबाद में विद्युत लाइन की जर्जर तार से गिरने से 2 युवक बुरी तरह से झुलस गए। करंट से झुलसे युवकों को गंभीर हालत में हैरेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी के कोतवाली क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस ने 4 बंदूकधारी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। कानपुर पुलिस ने दबिश देकर नकली देसी शराब सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पैकिंग मशीन और लगभग माल बरामद किया है 12 लाख का, इसका दाम बताया जा रहा है। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में एक शराबी युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर ड्रामा किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारा और थाने ले गई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के गाजीपुर में खाना बनाते वक्त मकान में लगी आग से महिला समेत 3 लोग झुलस गए। मोहल्ले वालों ने घर में सीढ़ी लगाकर बच्चों को बाहर निकाला। पर्यटन मंत्री रीता बोगला जोशी फैजाबाद में एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने पहुंची, जहां उन्होंने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की। बुलंदशहर में आबकारी विभाग ने घेराबंदी करके 4,000 लीटर स्प्रिट बरामद की है। आबकारी टीम माफिया की तलाश में जुट गई है। इस स्प्रिट से लगभग 35 लाख की शराब बनाई जानी थी। वाराणसी में देर रात से हो रही बारिश ने स्मार्ट सिटी बनाने की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह वाटर लॉकिंग की समस्या से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद में आज दूसरे दिन भी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स कारोबारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर जाने से 90% से ज्यादा ट्रकों की पहिए थम गए। ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में समाजी संगठन ने प्रदर्शन कर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। बलरामपुर अस्पताल में मरीजों को गलत इंजेक्शन लगाने के मामले में भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए। किसान कल्याण रैली में शामिल होने जा रही बस बरेली के भमोरा में एक मकान में जा घुसी, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। संभल के कोतवाली इलाके में पिता से कहासुने के बाद जींस के कारखाने के मजदूर ने कारखाने में ही फांसी लगाकर जान दी। बुलंदशहर में केंद्रीय विद्यालय को व्हाइट कलर से भगवा रंग में रंग दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय विद्यालय पर सफेद रंग से पुताई की जाती थी। कानपुर के कल्याणपुर में औचक निरीक्षण के दौरान पुलिस ने जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा। पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी के घिरौर इलाके में भागवत के मंडप विसर्जन के दौरान एक युवक नहर में डूब गया। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए। ललितपुर में अंडरग्राउंड बिजली केबल में आए दिन फॉल्ट और आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते आम लोग दहशत में जी रहे हैं। हरदोई के सुरसा इलाके में तालाब में नहाने गई 2 मासूम बालिकाओं की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कई घंटे के बाद तालाब से उनके शव को बरामद किया है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। लखनऊ मीटिंग में जा रहे मेरठ के आबकारी डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर की गाड़ी कन्नौज में डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। सड़क हादसे में डिप्टी कमिश्नर की मौत हो गई। वहीं ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। फिरोजाबाद के एसआर के इंटर कॉलेज में सदस्यता अभियान के लिए किए गए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों को सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को खाली निकल गई।
समाधान दिवस पर अमेठी के पीपरपुर थाने में जिलाधिकारी शकुंतला गौतम और पुलिस अधीक्षक जन सुनवाई कर रहे हैं या लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कानपुर में ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल में शामिल न होने वाले ट्रक चालकों को रोककर गाड़ियों के कागज और चाबियां छीन ली गई। ट्रांसपोर्टर्स ने यहां जमकर हंगामा किया। झांसी के नवाबाद के कचहरी चौराहे पर बदमाशों ने अधिवक्ता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वकील को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।